Hey what's up boys, कैसे हो सब? तो इस वीडियो में बात करेंगे my experience with OnePlus Nord 2 after 8 days. But उससे पहले बात करेंगे OnePlus Nord 2 के एक explosion के बारे में. और आपको जैसा पता होगा, बैंगलोर में रहने वाले ये शख्स है जिसका OnePlus Nord 2 जो है recently explode हो गया, यानी blast हो गया था. तो गाइस ये हादसा सुबह के वक्त हुआ और इनके ट्वीट देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सीरियस इंजुरी पहुंची है. एंड आई होप शी इज फाइन. फोन की हालत जो है एकदम बुरी हो चुकी है और केस भी जो है फोन पे चढ़ा हुआ है. जैसा कि आप देख सकते हैं केस पूरा मेल्ट हो गया. ऑफकोर्स एक टीपीयू केस है एंड फोन की कंडीशन तो एकदम खराब हो गई. OnePlus ने भी इसके ऊपर रिप्लाई दिया. ब्लास्ट होने के रीजंस के ऊपर नहीं बात करेंगे. इस हादसे को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नॉट टू ब्लास्ट होने वाला नहीं है. गाइस बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस की. एंड माय एक्सपीरियंस वाज ग्रेट. 8 दिन में मैंने इस डिवाइस को इतना हैवी यूज किया है और मैं आपको बता सकता हूँ. गाइस मैं बता दूं इसका इन हैंड फील जो काफी जबरदस्त है. इससे पहले भी मैंने आपको कहा क्योंकि ये डिवाइस एकदम प्रीमियम लगेगा आपको यूज करते वक्त. और मुझे भी सिंगल हैंड यूसेज में दिक्कत नहीं आई. डिवाइस का फॉर्म फैक्टर इज ऑल्सो ग्रेट और डिजाइन भी जो है जबरदस्त डिजाइन है. डिस्प्ले के वक्त मुझे आउटडोर एज वेल एज इंडोर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिस्प्ले इज ब्राइट इनफ एंड अमेजिंग कलर्स. ऑफ कोर्स ये एक AMOLED है. 90 हर्ट्ज फील्स लाइक 90 हर्ट्ज ऑन दिस. और नेटफ्लिक्स में HD कंटेंट अगर आपको नहीं प्ले हो रहा उसके लिए आप कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई टू कवर दैट. गाइस दिस इज इंडीड अ वेरी फास्ट डिवाइस और मुझे 8 दिन में इसकी परफॉर्मेंस जो है इनसेन मिली. कोई भी गेम्स आप चला दो एकदम स्मूथ तरीके से ये खेल देगा. इसका एक ड्रॉबैक है कि 180 हर्ट्ज इसका टच सैम्पलिंग रेट है जो कि काफ़ी कम साइड पे है. बट अगर आप एक फ्लैगशिप से स्विच कर रहे तो आपको तभी जो है एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा. अगर आप फ्लैगशिप डिवाइस नहीं यूज करते तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा. सारे टास्क आपके स्मूथली ये कर देगा. एंड आई थिंक कि 8 GB ऑफ रैम इज इनफ. और अगर आपको फोन बाय करना है इसके लिंक्स में दिया हूं, लिंक के जरिए से जरूर बाय कर सकते हैं. गाइस फोन के हैप्टिक्स जो है काफी जबरदस्त दिखे, यानी वाइब्रेशन मोटर जो रहती है काफी अच्छी क्वालिटी की है. जैसा कि इन्होंने कहा कि हैप्टिक 2.0 है इसमें. एंड मुझे लगता भी है कि हैप्टिक्स जो है काफी ज्यादा इंप्रूव किए गए हैं. OnePlus Nord C जैसा कि लॉन्च हुआ था लास्ट मंथ उसके हैप्टिक्स एकदम बेकार थे इसके सामने. और फ्लैगशिप से मैं कंपेयर करूंगा तो फ्लैगशिप के वैसे नहीं है, बट मैं बोलना चाहूंगी 80% क्लोज टू फ्लैगशिप इसके हैप्टिक्स आपको मिल जाएंगे. तो ये काफी अच्छी बात है, थम्स अप है मेरी तरफ से. गाइज डायमेंसिटी 1200 इसमें और हीट तो ऑफकोर्स करेगा. मैंने कुछ गेम्स खेले और मेरी टेस्टिंग में भी मुझे थोड़ा नोटिस हुआ कि ये फोन हीट करता है एक्चुअल में. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कूलिंग सिस्टम भी नहीं दिया गया है. एंड अगर आपको परचेस करना है तो आप वो चीज़ माइंड में रखिए. बट तकरीबन यूजर्स को आप में से हीटिंग का इशू नहीं आएगा क्योंकि यूसेज इतना हैवी नहीं होगा आपका. सॉफ्टवेयर के मामले में अब कुछ चीज़ें बदल गई हैं. ऑक्सीजन ओएस इज नो मोर ऑक्सीजन ओएस. आपको पता है कि ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस के साथ में मिक्स हो चुका है. ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा लैगी मुझे लगा. प्योर ऑक्सीजन ओएस की बात नहीं है, थोड़े बहुत बग्स है. कभी कभी सॉफ्टवेयर लैग करता है, कभी कभी आपके ऐप्स जो है क्रैश हो जाएंगे. बट ये चीज जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू मुझे पता है कि फिक्स हो जाएगी फ्यूचर में. गाइस इस बार OnePlus ने कैमरा सेगमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी. कैमरास आर वर्किंग सुपर्ब. स्पेशली मैं बात करूंगा तो 50MP का जो नया वाला सेंसर है सोनी की तरफ से, काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है उसकी. अगर आपने नहीं देखा जी कैम पे मैंने वीडियो कवर की है, आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां से देख लेना. कैमरास आर परफॉर्मिंग सुपर्ब. और बाकी लेंसेज की बात करूंगा तो बाकी लेंसेज आर डिसेंट. 50MP कैमरा इसका सबसे बेहतरीन है. गाइस अच्छे कैमरा के लिए अगर आप फोन लेना चाह रहे हैं तो यू कैन कंसीडर OnePlus Nord 2. तो गाइस इसमें आते हैं स्टीरियो स्पीकर्स विच आर लाउड इनफ. फोन की माइक क्वालिटी भी काफी ठीक है मैं बोलना चाह रहा हूँ. एंड ऑडियो वाया ब्लूटूथ की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी दिखी. फोन की कनेक्टिविटी भी एकदम जबरदस्त है, नो नेटवर्क इश्यूज सो फार. तो गाइस वॉल्यूम रॉकर्स भी जो है काफी अच्छी फील देंगे अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो. और अलर्ट स्लाइडर भी है ऑफकोर्स OnePlus का लेजेंडरी एंड माई पर्सनल फेवरेट. तो गाइस बैटरी 1 दिन से ऊपर चलेगी. अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, मेरे जैसे हेवी यूजर है, तो अराउंड आपको 1 डे तो ये आराम से दे देगा. चार्जिंग स्पीड्स आर इनसेन. आधे घंटे में आपका फोन जो है चार्जिंग कर देगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो गाइस वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब. और साल के एंडिंग में मुझे 3K सब्सक्राइबर हिट करना है. आई नो कि आप मुझे पहुंचा दोगे. तो गाइस व्हाट एल्स डू वी वांट.
काफी जबरदस्त फोन है, एक्सेलेंट पैकेज है, क्या चीज नहीं है ये फोन में, ऑफ कोर्स तगड़ा बिकने वाला फोन है ये, और वन प्लस की तरफ से 2021 का सब में बेस्ट डिवाइस है, क्योंकि जिस स्पेक्स के साथ में आता है, जिस प्राइस के लिए, एंड ऑफ कोर्स वन प्लस का ब्रांड नेम है, तो खूब बिकेगा। मेरी तरफ से 10/10 रेटिंग है इस डिवाइस को। इस डिवाइस ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। सो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ऑफ कोर्स ये फोन में कॉन्स हैं बाकी सारे डिवाइसेस की तरह। पहला कॉन, टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा वीक है, 180 हर्ट्ज जो है टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा वीकर साइड पे है। अगर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगता है तो आप जाने दीजिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मैटर करती। सेकंड कॉन की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर नीड्स इंप्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होना चाहिए सॉफ्टवेयर में, ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये फिक्स हो जाएगी। थर्ड कॉन की बात करेंगे गाइस, बैड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 2021 के हिसाब से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा सा अच्छा होना था, यानी वो चिन जो है थोड़ी सी छोटी हो सकती थी, और लास्ट ईयर के नॉट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे भी बड़ा चिन हमें इसमें देखने को मिलता है। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करना चाहिए, मुझे मैटर करती। इंस्टाग्राम ट्विटर के लिंक्स में दिया हूँ, अगर कुछ भी आपके पास क्वेरी हो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैंने कुछ चीज़ें नहीं कवर की इस वीडियो में या मैंने मिस कर दी हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, जरूर से कमेंट करके जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।